What is the formula for fixed point rotation? तो फिक्स पॉइंट रोटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिक्स में, और हम आज उसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि फिक्स पॉइंट रोटेशन के लिए हम क्या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर वही है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है कोई पॉइंट मीन्स पी, पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, ओके। आपका रोटेशन एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, और ये जो रोटेशन एंगल है ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। और आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो दिया हुआ है ना, फिक्स्ड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स एफ एंड वाई एफ, ये आपको दिया हुआ है। आपको एक्स डैश वाई डैश निकालने हैं, मतलब आपको पी के नए कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पी डैश निकालना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है वो क्या आता है वो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको पी डैश निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश वाई डैश, वन वन इज द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर एफ कॉस थीटा प्लस एक्स एफ वाई एफ साइन थीटा, ओके, और जीरो साइन थीटा माइनस एक्स एफ वाई एफ साइन थीटा माइनस वाई एफ स्क्वायर कॉस थीटा जीरो जीरो वन, ओके, और दीज आर द ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है एक्स वाई वन, एक्स वाई वन मतलब ये आपका पी कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल होता तो तीन कॉलम होते, रेक्टेंगल होता तो चार कॉलम होते, इस वाले मैट्रिक्स में जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट होता उस तरीके से ये अलग हो जाता। बेसिकली ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, ये हमें अप्लाई करना होता है। अब ये ड्राइव कैसे हुआ है, या तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लें और अप्लाई कर दें अपनी ऑब्जेक्ट पर, आपको फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए ही होंगे, थीटा आपको पता होगा, एक्स वाई आपको दिया ही होगा, ऑब्जेक्ट आपको पूरी दी होगी, आपको न्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर तीन यहाँ आएंगे तो तीन ही आएंगे तो आपको नए ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो मैं इसको आपको ड्राइव करना बता रही हूँ कि इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। दिया क्या है, पी एक्स वाई ये आपको गिवन है, एक्स एफ वाई एफ ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको निकालना है पी डैश, कहीं भी जा सकता है ये एक्स डैश वाई डैश इसके कोऑर्डिनेट, पी या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसको ड्राइव करने के लिए हमें इस पॉइंट को ओरिजिन पे पहुंचाना होता है, ओरिजिन पे पहुंचाने के बाद फिर हमें रोटेशन अप्लाई करना होता है, जो भी रोटेशन आपको दिया हुआ है वो, और फिर इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजिशन जो भी इसकी दी होती है उस पर पहुंचाना होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं इस पॉइंट को माइनस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ अमाउंट से, क्योंकि एक्स एफ वाई एफ है तो माइनस में जाएगा जो भी दिया है। फिर हम इसका रोटेशन करते हैं थीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा ये, और फिर हम इस पॉइंट को दोबारा से उसके ओरिजिनल जगह पर पहुंचाते हैं, मतलब फिर से इसको एक्स एफ वाई एफ से ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज इन रिवर्स ऑर्डर, जैसा हुआ है उसका उल्टा लिखना है, मतलब सबसे पहले जो हुआ उसको सबसे आखिरी में लिखेंगे और सबसे आखिरी में जो हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे। एक्स एफ वाई एफ आर थीटा टी माइनस एक्स एफ माइनस वाई एफ, अब इनके फॉर्मूले आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन है जीरो सॉरी वन जीरो एक्स एफ जीरो वन वाई एफ जीरो जीरो वन, देन रोटेशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन, फिर आपका ट्रांसलेशन वाला आएगा तो वन जीरो माइनस एक्स एफ जीरो वन माइनस वाई एफ जीरो जीरो वन। फिर से बता रही हूँ कि जो भी ये होमोजीनियस के साथ है, होमोजीनियस में हमें क्या मिलता है, एक एडवांटेज ये रहती है कि सारे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में डिनोट किए जा सकते हैं। जो एडिटिव टर्म्स पर जिनका इफेक्ट पड़ता है वो हम थर्ड कॉलम में बताते हैं, मल्टीप्लीकेटिव टर्म्स जो होती हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में बताई जाती हैं। तो जो नॉर्मल रोटेशन नॉर्मल ट्रांसलेशन नॉर्मल स्केलिंग होती है उसको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास पहले 2x2 के मैट्रिक्स रहते हैं जिनको हम 3x3 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इससे हमारे सारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम डिनोट कर सकते हैं। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको एज इट इज लिखा रहने देती हूँ। 10xf 01yf, हमें देखना है कि हमारा वही फॉर्मूला जो मैंने पहले दिया था वही ड्राइव हो रहा है या नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कॉस थीटा, देन इस रो को इस कॉलम से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स एफ कॉस थीटा एंड माइनस वाई एफ साइन थीटा हमको मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, तो ये प्लस होगा, फिर इसको करेंगे तो ये साइन थीटा, देन इट इज कॉस थीटा, फिर ये आएगा माइनस एक्स एफ साइन थीटा माइनस वाई एफ कॉस थीटा एंड 001, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मैट्रिक्स ड्राइव हो जाएगा, तो इसको करा तो ये तो आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर इसको करूँगी तो माइनस एक्स एफ कॉस थीटा प्लस वाई एफ साइन थीटा प्लस, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, तो सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इस पूरे में, है ना, हाँ प्लस ये आएगा हमारा एक्स एफ, फिर ये जो है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये आएगा आपका माइनस एक्स एफ साइन थीटा माइनस वाई एफ कॉस थीटा प्लस वाई एफ के, और ये आएगा 001। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है। देखिए ये पहले जो मैंने बताया था वो गलत था, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं आता है, ये प्लस एक्स एफ होता है और यहाँ पर ये भी वाई एफ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये प्लस वाई एफ में आता है। ठीक है, तो यही मिस्टेक जब हम याद करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, हम भूल जाते हैं कई बार, जैसे मैं भूल गई थी अभी कि ये प्लस में आना है और मैंने उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर, तो ये मिस्टेक्स नहीं होती अगर हमें ड्राइव करना आता है। तो मुझे ये ड्राइव करना आता था तो मैंने ड्राइव कर लिया, तो अब मैं अपनी ऑब्जेक्ट पर इसको लगा सकती हूँ, चाहे वो पॉइंट हो, मतलब मेरी ऑब्जेक्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो मेरा जो आफ्टर रोटेशन जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरी ऑब्जेक्ट के वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको थीटा भी पता है, एक्स एफ भी पता है और आपके ऑब्जेक्ट आपको पता ही होंगे, अगर ट्रायंगल है तो आप यहाँ पर इसके बाद ट्रायंगल पुट कर दीजिए, आपका पॉइंट पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आपकी वैल्यूज पूरी मिल जाएंगी प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका क्लियर होना चाहिए क्या है, आपके होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्लियर होने चाहिए और आपके बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग है, इनके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप इसको कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दिया गया है तो आप डायरेक्टली अब इस फॉर्मूले को रखिए और आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है नई वाली वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वही बात है फिर से कि आपको याद करने से बेटर है कि आपको ड्राइव करना आना चाहिए। अगर आपको ड्राइव करना आता है तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना फिक्स पॉइंट रखिए, डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट रखिए और ये सारी प्रोसेस को अप्लाई करिए। ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का केस होता है, कंपोजिट मतलब मिक्सिंग वन एंड मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इनको करिए। ठीक है, फिर रिवर्स ऑर्डर में इसको अप्लाई करिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए, तो जो आपका फाइनल मैट्रिक्स निकलेगा वो आपका एक ड्राइव या एक फाइनल वैल्यूज होगी आपके पास और आप इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।